तो कैसे हो? सब सही है। तो टॉप 5 फोन से हमारा बहुत ही पुराना नाता है और इस वीडियो को हम लोग छोड़ नहीं सकते। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके डिमांड पे ही, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई हमारे बिजी शेड्यूल में बैटरी बहुत ही कम हो जाता है, तो कोई ऐसे 5 स्मार्टफोन बताओ जिसमें आपको मैसिव बैटरी देखने को मिले, मतलब बैटरा देखने को मिले। इन सभी फोन में आपको देखने मिलता है 6000 mAh का मैसिव बैटरा, जो बहुत ही कमाल के प्राइसिंग के साथ में आता है। मतलब पॉकेट में भी आपको भारी नहीं पड़ने वाला है। सभी फोन्स आपको 10,000 के अंदर आते हैं और सभी फोन्स में आपको 6000 mAh का मैसिव बैटरा भी देखने को मिलता है। तो वीडियो में बने रहना। आज की वीडियो में 5 ऐसे स्मार्टफोन जो आपको अंडर 10,000 मिलते हैं लेकिन 6000 mAh के मैसिव बैटरा के साथ में आते हैं। तो चलो फिर शुरू करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन सभी फोन्स में आप गेमिंग इतना अच्छा नहीं कर पाओगे। बस एक दो फोन को आप छोड़ के किसी भी फोन्स में अच्छा गेमिंग नहीं कर पाओगे। ये सभी फोन्स बैटरी को देख के बनाए गए हैं और डिस्प्ले ना बहुत ही कमाल का है। ओवरऑल एंटरटेनमेंट के पर्पज से ये सभी फोन्स अच्छा रह सकता है और ये सभी फोन्स आप अपने पेरेंट्स को भी गिफ्ट कर पाओगे, क्योंकि लंबी बैटरी, बड़ी बैटरी वाला उनको फोन ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि पेरेंट्स तो गेम नहीं खेलेंगे ना। तो देखो, जो हमारा सबसे पहला फोन आता है वो आता है इन्फिनिक्स के तरफ से, इन्फिनिक्स का स्मार्ट 4 प्लस, जिसमें आपको मिलता क्या है। इस फोन को मिलता है 6.82 इंचेस का मैसिव डिस्प्ले, जो आपको वाटर ड्रॉपलेट नॉच के साथ में आता है। हालांकि एक HD प्लस वाला डिस्प्ले है, लेकिन इस प्राइसिंग में आपको इतना ही मिलेगा। प्राइसिंग 7,999 में ये फोन आपको देखने मिलता है, मतलब 8,000 का फोन है। 3GB के रैम, 32GB के स्टोरेज के साथ में आ जाता है, जो कुछ इस तरह का है। डिसेंट फोन है, बहुत ही अच्छे आपको मिल जाता है। कैमरा क्वालिटी भी आपको डिसेंट देखने को मिल जाएगा। गेमिंग के ये फोन नहीं है, तो इसमें आपको बैटरी बहुत ही अच्छा है, 6000 mAh का बैटरी है। तो अगर आपका 8000 का बजट है तो आप इस फोन को ले सकते हो। तो नॉर्मल यूजर में ये फोन कभी भी प्रॉब्लम नहीं करने वाला है। साथ में 13MP का आपको ड्यूबल कैमरा का भी सपोर्ट मिल जाता है। सबसे हाईलाइटिंग फीचर यही है कि इसमें आपको 6000 mAh का मैसिव बैटरी मिलता है। तो अगर आपका प्राइसिंग 8,000 रुपये है, अगर आपको एक एंटरटेनमेंट के पर्पज से फोन चाहिए ना, तो बड़ी डिस्प्ले भी है, अच्छा कैमरा भी है और आपको बड़ी बैटरी भी मिल जाता है। तो 8,000 में इन्फिनिक्स का स्मार्ट 4 प्लस आपके लिए अच्छा चॉइस हो सकता है। तो बात करते हैं अपने अगले स्मार्टफोन के बारे में। जो हमारा अगला स्मार्टफोन है वो आता है Realme की तरफ से, Realme का C12। ये एक ऐसा फोन है जो आपको देखने मिल जाएगा 9,000 के अंदर। 3GB के रैम, 32GB के स्टोरेज के साथ में आता है। 6.52 इंचेस का इसमें भी आपको डिस्प्ले देखने मिलता है, जो एक HD प्लस वाला डिस्प्ले है। वाटर ड्रॉपलेट नॉच के साथ में आएगा। इसमें आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाता है। साथ में इसमें भी आपको प्रोसेसर बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा। इसमें आप गेमिंग कर पाओगे, इवन PUBG भी इसमें आप प्ले कर पाओगे, क्योंकि इसमें आपको MediaTek का G35 का पावर मिल जाता है, जो एक बजट गेमिंग प्रोसेसर है। मतलब कम प्राइसिंग में अच्छा गेमिंग कर पाओगे। इसमें आपको 6000 mAh का मैसिव बैटरी मिलता है, जो आराम से 2 से 3 दिन चल जाएगा, आपके यूजर्स पे डिपेंड करता है। तो 9,000 में अगर आपको एक Realme का फोन चाहिए, Realme का C12 आपके लिए अच्छा चॉइस हो सकता है, इसे भी कंसीडर कर सकते हो। तो जो अगला फोन आता है वो आता है फिर से Realme की तरफ से, Realme का C15। याद रखना, सभी फोन आपको बैटरी पर्पज से मैंने बताया है, इसलिए सभी में आपको 6000 mAh का मैसिव बैटरी मिल रहा है। Realme के C15 में आपको थोड़ा कैमरा ज्यादा इंप्रूव्ड है, थोड़ा ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं कुछ बेसिक स्पेक्स के ऊपर। तो 3GB के रैम, 32GB के स्टोरेज के साथ में ये भी फोन आता है। बात करते हैं प्राइसिंग के ऊपर, तो ये फोन आपको 9,999 में देखने को मिल जाएगा। 6.52 इंच का HD प्लस वाला डिस्प्ले इसमें भी है। साथ में 13MP का आपको इसमें क्वाड कैमरा मिल जाएगा, C12 में आपको ट्रिपल कैमरा मिलता था। साथ में G35 इसमें आपको देखने मिल जाएगा, सेम प्रोसेसर के साथ में ये भी फोन आ जाता है और 6000 mAh का इसमें भी मैसिव बैटरा मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छा फोन हो सकता है। अगर आपको थोड़ा कैमरा ज्यादा अच्छा चाहिए तो Realme का C15 को आप ले सकते हो, इंस्टेंट ऑफ Realme C12, जो बहुत ही अच्छा चॉइस हो सकता है। 6000 mAh बैटरी, बहुत ही लंबा चल जाएगा C15 10,000 के अंदर। तो बढ़ते हैं अपने अग्रणी स्मार्टफोन के बारे में। ये एक ऐसा फोन जिसका डिस्प्ले और बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मतलब और बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मतलब 6.82 इंच से भी बड़ा है, 7 इंचेस का डिस्प्ले देखने मिलता है। ये है टेक्नो का स्पार्क पावर 2, जो आपको 6000 mAh की बैटरी के साथ में आता है। ये साथ में 4GB की रैम, 64GB का रैम भी लेके आ जाता है। तो ये भी फोन आपको देखने मिल जाएगा 9,999 के अंदर, जो बहुत ही कमाल की बात है। इस फोन को देख मिलता है क्वाड कैमरा की सेटअप, मतलब 4 कैमरा है, जिसमें प्राइमरी कैमरा आपको 16MP के साथ में आता है। प्रोसेसर इतना कुछ खास नहीं है, P22 देखने को मिलता है। साथ में 6000 mAh का मैसिव बैटरी है, तो इसमें आपको बैटरी बहुत ही ज़्यादा मैसिव है। डिस्प्ले बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मतलब 7 इंचेस का डिस्प्ले है, जो बहुत ही मैसिव कहलाता है, मतलब 7 इंचेस का डिस्प्ले, समझ रहे हो। तो बहुत ही अच्छा हो सकता है ये भी फोन एंटरटेनमेंट के पर्पज से, 10,000 के अंदर। टेक्नो का स्पार्क पावर 2 भी आप चाहे तो ले सकते हो। तो देखो, इस फोन में सबसे अच्छी बात क्या है कि इस फोन को डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा मैसिव है, साथ में आपको 6000 mAh का बैटरी भी मिल रहा है। बैटरी तो सब में कॉमन है, लेकिन हाँ, डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा अच्छा है और कैमरा सेटअप भी आपको 16MP का क्वाड कैमरा मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छा ये फोन रहने वाला है 10,000 के अंदर। अगर आपको कोई फोन चाहिए तो टेक्नो का स्पार्क पावर को भी आप कंसिडर कर सकते हो, स्पार्क पावर 2, जो बहुत ही अच्छा
सकता है एंटरटेनमेंट के पर्पज से ना, बहुत ही शानदार फोन है, बड़ी डिस्प्ले, बहुत ही अच्छा रह सकता है 9,999 के प्राइसिंग में। तो आज की वीडियो में आखिरी फोन है वो आता है रियलमी से, रियलमी का नार्जो 20। तो बात करते हैं प्राइसिंग के ऊपर, 10,500 में ये फोन आपको देखने को मिल जाता है, कार्ड ऑफर्स लगाओगे तो 10,000 के अंदर फोन पड़ जाएगा। 4GB की रैम 64GB की स्टोरेज के साथ में आता है, 6.52 इंचेस का डिस्प्ले है, साथ में आपको देखने मिलता है वाटर ड्रॉपलेट नॉच का डिस्प्ले जो बहुत ही डिसेंट रहने वाला है। इसमें जो आपको देखने मिलता है बैक कैमरा वो आपको 48MP का ट्रिपल कैमरा के साथ मिलता है जो बहुत ही तगड़ा है, मतलब 48MP का रिजोल्यूशन भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। बात करते हैं बैटरी के ऊपर, तो 6000mAh का आपको मैसिव बैटरी का भी सपोर्ट है और मीडियाटेक का G85 के साथ में आता है। लिटरली G85 बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, सेम प्रोसेसर आपको रेडमी के नोट 9 में भी देखने मिलता है, माइक्रोमैक्स के इन नोट 1 में भी देखने मिलता है, लेकिन हाँ बैटरी इस फोन में ज़्यादा बड़ा है इसलिए इस फोन को इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। तो अगर आपका प्राइसिंग 10,000 रुपये है, 10,500 रुपये है, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा यार आकमून की ये फोन ले लो, बहुत ही तगड़ा रहने वाला है। रियलमी का नार्जो 20 तो मेरे से बहुत ही परफेक्ट फोन हो सकता है, तो इस फोन को कंसिडर जरूर करना, रियलमी का नार्जो 20 जो बहुत ही परफेक्ट फोन निकल के आया। तो कुछ इस तरह के आपको 5 फोन देखने मिलते हैं जो आपको आते हैं 10,000 के अंदर 6000mAh के मैसिव बैटरी के साथ में, बैटरा के साथ में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, इन 5ों में से कौन सा फोन आपका बेस्ट बन चुका है वो भी कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ घंटी बटन को 10 से दबाना मत भूलना। तो ठीक है व्यूअर्स, मिलते हैं, चल करते हैं अपने ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हाई फाइव।